हेलो स्टूडेंट, इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। हमने कल क्या पढ़ा था कि जो भारत है वो एक उपमहाद्वीप है जिसमें बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं वो मिलकर उसे एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। कॉन्टिनेंट में तो ये एशिया में आता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट है क्योंकि सब कॉन्टिनेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया है जैसे भारत है और ये इसका पड़ोसी देश श्रीलंका है। यहाँ से फिर कुछ हिस्सा बंगाल का होके भारत और नॉर्थ में इसके यहाँ हिमालय पर्वत है और तिब्बत का पठार है और यहाँ से क्या है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है और ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ हैं। तो ये सारा जो मिलकर एक सब कॉन्टिनेंट बनता है यहाँ म्यांमार है क्योंकि ये यहाँ से हिंद महासागर जो नीचे हैं ऊपर हिमालय पर्वत है और इधर गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह यहाँ से फिर जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं तो ये जो इलाका है पूरा वो एशिया से अलग हो जाता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे में देश में ट्रैवल करते रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ही राजा यहाँ पर शासन करता था, जैसे कई बार मगध के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक मौर्य के बारे में कहा जाता था कि उनका जो शासन है वो कंधार तक, वर्तमान में अफगानिस्तान में कंधार है वहाँ तक शासन था क्योंकि वहाँ पर उसके प्रलेख और स्तंभ मिले हैं जो कभी अशोक ने बनवाए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयन डेजर्ट रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम। उस टाइम क्योंकि जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही दुर्गम था, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों वाली है, डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, नदियाँ हैं जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, बहुत बड़ी नदियाँ हैं, समुंदर है हिंद महासागर जैसी, तो ये इनको पार करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन मनुष्य के एफर्ट्स इतने होते हैं कि इनको जो लांगना कोई आसान इम्पॉसिबल नहीं होता। सो मैन एंड वोमैन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, या तो लाइवली जीविका कमाने के लिए एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, या नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए, या तो वो फ्लड हो, ड्राउट्स हो, सूखा हो, वहाँ एक दूसरे से स्थान से लोग मूव करते रहे हैं, माइग्रेट करते रहे हैं। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कनकर अदर लैंड्स, कई बार जो आदमी हैं विशेषकर जो पुरुष थे वो आर्मी लेकर दूसरे इलाकों को कनकर मैंने अधिग्रहण करने के लिए, उन्हें जीतने के लिए जाया करते थे। बिसाइड मर्चेंट, मर्चेंट मैंने व्यापारी होता है, व्यापारी भी ट्रैवल्ड विद कारवांस, कारवे होते हैं बहुत सारे जो 30-40 लोग मिलकर अपना सामान गाड़ियों में भर भर के जाया करते थे। कारवे वो गुजरता था, कारवां गुजरता था जब लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत से समूहों में चलते थे, या सिप समुद्री जहाज़ों से लेकर जाते थे, कैरिंग गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैल्यूएबल चीज़ लेकर जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसके साथ ही जिसे धर्म का प्रचार करना था, जैसे बुद्धिस्ट धर्म का फैलाव जो है वो सारे ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में फैला, कंबोडिया, वियतनाम जो यहाँ देश है म्यांमार के आगे, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ या तो धार्मिक जो प्रीच्ड थे, प्रीच करने के लिए जाया करते थे जो रिलीजियस गुरु होते थे।
टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाई ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और कुछ लोगों ने फिर एडवेंचर करने की सोचे। एडवेंचर का मतलब होता है कोई साहसिक कार्य और साहसिक कार्यों में ही उन्होंने अनेक ऐसे देशों की अनेक ऐसे स्थानों की खोज की जिन्हें खोजना बहुत ही दुर्गम था। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की, इसी तरह भारतीय भी जो है अपने सामान के लिए व्यापार के लिए दूर देशों में जाया करते थे। Why do people travel nowadays? इन दिनों जो हैं लोग क्यों व्यापार करते थे? Look at map first once. Hills, mountains and seas from natural frontier of the subcontinents. अगर आप मैप में देखो जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ तो यहाँ सी है, यहाँ ऊपर हिमालय पर्वत हैं और ये पहाड़ियाँ हैं। From the natural frontier of the subcontinent, जो हमारी natural सीमाएँ, जो प्राकृतिक सीमाएँ, मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति ने जो हमारी सीमाएँ बनाई हैं। While it was difficult to cross the frontier, और इस वजह से सीमाओं को लांघना आसान नहीं था। Those who wanted could, लेकिन जो ऐसा करना चाहते थे, and did scale the mountains and cross the sea, और जो माउंटेन्स पर चढ़ना चाहते थे या सीज को क्रॉस करना चाहते थे, फ्रॉम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। बहुत सारे लोग इन इलाकों से, बाहर के इलाकों से भारत में आए और यहीं बस गए। जैसे सबसे जो आने का तरीका था, अगर आप भारत को देखोगे मैप पे, चलो मैप हम दोबारा से दिखाते हैं और फिर कैसे लोग आए ये दिखाते हैं आपको। ये भारत है, सब कॉन्टिनेंट बल्कि ये कहूँगी मैं, यहाँ से आना बहुत दुर्गम है क्योंकि यहाँ हिमालय पर्वत है और इसको चीरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ आए वो पहले तो आए मध्य एशिया से, जो मुस्लिम्स अटैक्स करने वाले आक्रमणकारी थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ जो एक खैबर का दर्रा होता है, खैबर का दर्रा जो वर्तमान में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में है, यहाँ से लांगते हुए, क्योंकि खैबर दर्रा होता है पास, जहाँ दो पहाड़ियों के बीच में एक जगह होती है उसे पास बोलते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो खैबर के दर्रे से, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो अरब और मध्य एशिया के देशों से आए थे, वो यही से आए थे, खैबर के दर्रे से। उसके बाद जो है, इसके बाद अगर आप देखोगे मध्य एशिया के बाद यूरोप आता है, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है, वहाँ से कौन आए? पुर्तगाली आए, डच आए, स्पेन स्पेनिश आए। वो किस रास्ते से आए? मध्य एशिया में फारस की खाड़ी से होते हुए या इंग्लिश चैनल को पार करते हुए अरेबियन सी से वो यहाँ और इस तरफ से यहाँ आकर बसे। सबसे पहले जो फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, वो यहाँ गोवा में कालीकट में उतरे थे, और उसके बाद जो अंग्रेज है यहाँ से होते हुए यहाँ बंगाल को उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है वो बनाना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद है दिस मूवमेंट ऑफ पीपल रीच्ड अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। और आप ये मत समझो कि ब्रिटिशीज आए थे या मुस्लिम्स आए थे, उससे पहले भी भारत में बहुत सारे जो लोग, जैसे ग्रीक हैं, यूनानी जो लोग हैं, जैसे मिनांडर एक शासक हुआ है, फिलाडेफिस एक शासक हुआ है, तो ये शक थे, कुषाण थे, हूण थे, वो भारत में आए, भारत में बसे और भारत के जो कल्चर थे उन्हीं में वो शामिल हो गए, और इसी वजह से एक रिच हेरिटेज जो हमें कल्चर के रूप में मिला है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट लोग, लैंग्वेज, भाषाएं, कस्टम जो हमें मिले हैं वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे देश में जो विदेशी हैं वो आते रहे हैं और भारत की कल्चर में शामिल होते रहे हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कर्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, और उस वो साथ साथ में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो नई नई चीज़ें भी लेकर अपने साथ आता है। जैसे चित्रकारी हमारे देश में आई, भवन निर्माण की कला आई, म्यूजिक आया नया, जैसे सूफी संगीत अगर आप देखोगे, अब जो पंजाबी सॉन्ग होते हैं या सूफी सॉन्ग होते हैं वो भी मध्य एशिया की ही देन है।
स्टोन्स को कैसे करब किया जाए, मतलब कैसे स्टोन्स की से नक्काशी की जाए, उसकी मूर्तियां बनाई जाए, म्यूजिक कैसा हो, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बाहर से आए, फूड्स आए बहुत सारे, जैसे आलू कहते हैं कि पुर्तगाल से आया है, तो इस तरह से। और ये सब जो प्रक्रिया है भारत में की कल्चर शामिल होने की, वो सालों तक चलती रही है। नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का जो नाम है वो कैसे पड़ा, ये आपको बताएंगे। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अगर भारत के संविधान का पहला आर्टिकल देखोगे आप, उसमें ये मिलेगा इंडिया द भारत, दो नाम है भारत और इंडिया। अब इनके नाम कैसे पड़े होंगे, जैसे भारत कहते हैं कि एक भरत वंश का कबीला जो था वो शासन करता था, और उसके एक शासक थे भरत, राजा भरत, और बहुत ज़्यादा बहादुर थे, शेर के दांत गिन दिया करते थे, उनके नाम पर भारत का नाम जो है वो भारत पड़ा। इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया। इसके अलावा हमारे देश का नाम एक हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान कहाँ से आए, ये कहते हैं जब मुस्लिम शुरू में यहाँ जो सिंधु नदी बहती है, आपको पता है नॉर्थ इंडिया में सिंधु नदी के जब उन्होंने पार की या उस किनारे पर आए, ये यहाँ से सिंधु नदी है इस तरफ, ये सिंधु नदी है, तो इन्होंने कहा कि जो इनके किनारे पर लोग रहते थे उनको उन्होंने हिंद कहना शुरू किया, सिंधु को हिंद कहना शुरू किया, और बाद में ये सब जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे तो नहीं, पहले पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र थे उनको कहना शुरू किया, और बाद में पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आया। तो इस तरह भारत के कई नाम हैं। टू वर्ड द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, इंडस शब्द से निकला है, काल सिंधु इन संस्कृत, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और सिंधु नदी के नाम पर ये पड़ा था। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस, आप अपने एटलस पर ग्रीक और यूनान देखो। ग्रीक मतलब ईरान एक देश है, जो अगर आप भारत से यहाँ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और उसके बाद ईरान आ जाता है, ईरान इराक, ठीक है। तो देखोगे अपने मैं एटलस पर, उसके आगे ग्रीक है जिसे यूनान भी बोलते हैं, ये यूरोप में पड़ता है, ईरान मध्य एशिया में पड़ता है। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, मैंने बताया ना खेबर के दर्रे से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से, ये इलाका जो है ये नॉर्थ वेस्ट का है, यहाँ से जब आते थे 2500 साल पहले जब वो आए अगो, एंड वर फैमिलर विद द इंडस, और इंडस नदी के किनारे पर वो बसे, कॉल्ड इट द हिंदोस या इंडोस, उसे उस जगह को वो, या उस जगह पर रहने वाले लोगों को वो हिंदोस या इंडोस कहते थे। और धीरे धीरे आपको बताया टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, शब्दावली चेंज हो जाती है, और जो एक समय एक वर्ड जिस चीज़ के लिए प्रयोग होता है वो बाद में उसका मीनिंग बदल जाता है। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो उस धरती थी पूर्व की, इंडस नदी के पूर्व की धरती, उसे इंडिया कहा जाने लगा। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उसके लिए। देखो भारत के भी कई टुकड़ों में कई नाम थे, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था हमारा ये, उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशनड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद चार वेद है हमारे, पहला वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यथर्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ये चार वेद हैं। सबसे पहला प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और उसमें भारत का नाम नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र से लिया गया। द अर्लिएस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत का जो सबसे पहला ग्रंथ है अर्लिएस्ट, और जो 3500 साल पहले लिखा गया था, लेटर इट यूज फॉर द कंट्री, और फिर हमारे देश के नाम के लिए इसका प्रयोग किया गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।